क्योंकि आप हिंदू हो। हिंदू की पीड़ा दुनिया में कहीं पहुंच ना जाए, इसके लिए सभी लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, मीडिया लग रही है पीछे, सारी दुनिया लगी हुई है। नूहू में आपके साथ जो हुआ वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप हिंदू हो। और सबसे बड़ी बात नूह की क्या खास बात रही गोयल साहब, जिन पुलिस वालों को वहां पर इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे वो पुलिस वाले हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे हैं, है खास बात ये या नहीं है? जिन पुलिस वालों को वहां इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे वो हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे थे, सारी दुनिया ने देखा जो वहां पर पराकाष्ठा हिंदुओं के साथ अत्याचार और अन्याय की हुई, और वो भी कब हुई, जब सरकार हमारी, अभी तो सारे प्रशासन में हिंदू है, सारी पुलिस हिंदुओं की है, सब कुछ हिंदुओं का है, तब ये हमारे साथ हो रहा है। और भैया जिस तरह की स्थिति है ये समझ लो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, क्योंकि हिंदुओं के घर में दो बच्चे हैं नहीं। पहले जंतर मंतर पर जब धरने होते थे, हम जंतर मंतर के धरनों में आते थे तो विनोद कितने लोग होते थे, कम से कम 500-700 हजार लोग होते थे। आज धरना इतनी मेहनत सैनी साहब ने करी, पूरी देव सेना ने करी, लेकिन कितने आदमी हम, ज्यादा से ज्यादा 150 होंगे, 200 होंगे। और इसका कारण है कि हिंदू धरने प्रदर्शनों से थक चुका है और गुलाम बनने का बिल्कुल मन बना चुका है। हम हिंदू कुछ बोले तो सब हमारे ऊपर रिपोर्ट भी लिखी जाती है, जेल भी भेजा जाता है, और जरूरत पड़ने पर हमारी गर्दनें भी कटवाई जाती हैं। लेकिन हमारे जो हमें जो मारना चाहते हैं, पूरी दुनिया में जो सबको मार रहे हैं, उन्हें इस देश में शांति प्रिय बोला जाता है। मैं हिंदू आपसे बताना चाहता हूं, अब धरना प्रदर्शन का समय बिल्कुल जा चुका है। मैं यहां बहुत मजबूरी में आया हूं, मजबूरी में मैं इसलिए आया हूं कि मैं बीमार बहुत था, लेकिन ये क्योंकि एक यज्ञ है, ये धरना नहीं है, ये देवसेना का यज्ञ है, तो यज्ञ में एक छोटी सी आहुति मेरी हो जाया, उसके लिए मैं इनका समर्थन करने आया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं हर तरह से देवसेना के, बल्कि जो भी लोग लड़ रहे हैं, उन सभी हिंदुओं के साथ हूं। लेकिन हिंदुओं एक बात बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी आबादी इसी तरह घटती रही और मुसलमानों की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो भैया वही होना है जो 1000 साल इस देश के इतिहास में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, अरब में हुआ। अभी से तय कर लो कि भाग के कौन से महासागर में डूब के मरोगे, क्योंकि अब तुम्हारी जमीन तो खत्म हो गई। गोयल साहब सब जगह से भागते रहे और यहाँ आके छिपते रहे, अब आगे जमीन तो हिंदुओं के भागने के लिए खत्म हो गई है, अब तो केवल महासागर रह गए हैं। किस महासागर में डूब के मरनी करनी पड़ेगी हर तरह से, यदि इन्हें कॉपी नहीं करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। बस इतना ही कहना, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।